मैं अलीशा जुनेजा आपके लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। शुक्रवार को सुबह भारी बारिश के कारण तीन राज्यों को जोड़ने वाले जीरकपुर में फ्लाईओवर के नीचे पानी नदी की तरह बह रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से वाहनों को आगे चलने से डर लग रहा है कि कहीं उनका वाहन डूब ना जाए। SYL मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दोनों राज्यों की सरकारें सहमति से निकाले समस्या का समाधान। पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, पंजाब के पास पानी कम। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना के जल बंटवारे को लेकर विवाद पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से गहराया हुआ है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इन दिनों हैं खफा। दो अफसरों को निलंबित करने के दिए आदेश। DC ने नहीं की तत्काल कार्रवाई। मामला बीते 28 जून को पानीपत जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में विज ने समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हुड्डा के SDO देवेंद्र मलिक और JE करमवीर को शिकायत के आधार पर निलंबित करने के आदेश दिए थे। दोनों पर आरोप था कि इन्होंने शिकायतकर्ता का घर बिना नोटिस दिए बुलडोजर से गिराया दिया, किंतु उच्च अधिकारियों ने समय पर दोनों को निलंबित करने की कार्रवाई नहीं की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दो दोस्तों ने पहले साथ बैठकर पी शराब, फिर थोड़ी सी कहा सुनी के चलते ही पत्थर से एक दोस्त की कर दी हत्या। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने फिर उगला जहर का। खालिस्तान बनाने के लिए साल 2020 में किया जाए रेफरेंडम। आपको बता दें कि पन्नू सिख फॉर जस्टिस संगठन का संस्थापक है और सरकार की तरफ से इस संगठन को प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाजन के बाद आज पाकिस्तान खोलेगा गुरुद्वारा श्री खारा साहिब। पाकिस्तान के गुजरावाला में स्थित छठे गुरु श्री हरिगोविंद सिंह के चरण स्पर्श प्राप्त पावन धरती गुरुद्वारा श्री खारा साहिब को 12 जुलाई को संगत के लिए खोला जाएगा। यदि आप हिमाचल के निवासी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में रोपवे और स्काई बसों के लिए केंद्र से मांगे 500 करोड़। वीरवार को जयराम ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन व यातायात मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। रोपवे व स्काई बसों के आने से हिमाचल की सड़कों पर बढ़ रहे ट्रैफिक से निपटा जा सकेगा। अब पर्यटन नगरी मनाली में बनेगी कूड़े से बिजली और राख से ईंट सीमेंट। जी हां, मनाली में 25 करोड़ संयंत्र की लागत से लगने जा रहा है। यहां 100 टन कूड़े से रोजाना 1 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इसके अलावा कूड़े की राख से ईंट और सीमेंट बनाया जाएगा। यूपी में दर्दनाक हादसा। घर में सो रहे 7 लोगों पर बेकाबू ट्रक पलटा, 4 की मौत। घटना कन्नौज जिले की है। दिल्ली से कानपुर लहसुन लेकर जा रहे ट्रक का अगला टायर फटने से ट्रक बेकाबू होकर जीटी रोड किनारे बने कच्चे मकान पर पलट गया। अवैध खनन मामले में CBI के निशाने पर एक दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारी। ये अधिकारी अखिलेश सरकार में बतौर जिला अधिकारी खनन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात रह चुके हैं। जांच एजेंसी इन अधिकारियों से पहले भी दिल्ली तलब कर पूछताछ कर चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।